बदायूं में गुरुवार को मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां घेर में कुतिया ने पिल्लों को जन्म देने पर एक महिला इतनी आक्रोशित हो गई कि मानवता तार तार कर दी। महिला ने अपने परिजनों से नवजात पिल्लों को पास के तालाब में फेंकवा दिया। कड़ाके की सर्दी होने के बाद भी महिला को तरस नहीं आया। वहीं सूचना पर पीपल्स फॉर एनिमल संस्था के सदस्य विभोर शर्मा मौके पर पहुंचे, जिसके बाद तालाब में पिल्लों के शव की तलाश की गई और 5 पिल्लों के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। वहीं विभोर शर्मा की तहरीर पर पति पत्नी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज की गई है। दरअसल मामला कोतवाली बिसौली क्षेत्र के गांव बसई का है, जहां बुधवार की रात एक कुतिया ने गांव निवासी सूर्यकांत उर्फ भूरे के घेर में 9 पिल्लों को जन्म दिया था। सुबह जब सूर्यकांत की पत्नी अनीता को घेर में पिल्लों को जन्म देने की जानकारी हुई, तो आरोप है कि गुरुवार की सुबह लगभग 6 बजे अनीता ने अपने पति से पिल्लों को एक बोरे में भरकर गाँव के तालाब में फेंकवा दिया। इस दौरान पड़ोसी ने पिल्लों को तालाब में फेंकते देख लिया और पीपल्स फॉर एनिमल के सदस्य विभोर शर्मा को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंचे विभोर शर्मा ने महिला से विरोध जताया तो दोनों में काफी देर तक बहस होने लगी और वहां भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद एक ग्रामीण को तालाब में भेजा गया, जिसमें 5 पिल्लों के शव बरामद हुए हैं। पशु चिकित्सालय पर उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के त्यागी ने पिल्लों के शवों का पोस्टमार्टम किया। कोतवाली बिसौली के प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, मामले की जांच कराई जाएगी। आप मारती हो ना, तो जाके तुम कैसे खवाई आ रहे हो? भैया इन्हें मान के आगे बात मरी रोना होंगे तो इन्हें कौन दुआ को दुबारा इधर बात करना चाह रहे हो? हम कोई करना चाह रहे हैं फिर मतलब क्या हमें बस केवल ये पिल्ला पहले बात करवा दो। अरे पिल्ला।